अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अभी हम लोग दाल को छोड़ के आ गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ गाड़ी में और आज काफ़ी फॉग है। रुके रुके, पहले आप सुबह की रूटीन तो देख लें। देखें, दिखानी तो वही चीज़ है, तो आपको यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। सुबह सबसे पहले उठ के मैंने राया को तैयार किया और हम लोग निकल पड़े स्कूल के लिए। अब निकले तो बड़ी मैं जोश में थी, जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो पता चला कि कितनी फॉग है। एंड ऑनेस्टली कैमरा जस्टिस नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। इतनी फॉग थी, इतनी फॉग थी, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि हम पहुंच गए खैर खैरियत से। और मैं राया के अंदर बहुत सारी चेंजेस नोट कर रही हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा उसको इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश भी कर रही हूँ। जैसे कि मैं उसकी कई जगहों पे हेल्प नहीं करती, ना गाड़ी में बैठने में, ना उतरने में। अब तो मैं यहाँ भी ऐसे कर रही हूँ, छोटे छोटे टास्क उसको दे रही हूँ, बैग पकड़ा देना, अपना छोटा मोटा काम खुद कर लेना, शूज़ रोज़ाना आकर अपनी बास्केट में डालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे कितनी शदीद फॉग है कि कुछ भी नहीं दिख रहा। और मेरी बहुत कोशिश थी कि मैं आप लोगों को सही तरह से दिखा दूँ, लेकिन कैमरा वाकई जस्टिस नहीं करता। कैमरे में फिर भी इतनी विजिबिलिटी का नहीं पता चलता जितनी हमारी रियल लाइफ में पता चल रहा होता। तो यहाँ थोड़ा सा मैंने टाइम लैप्स आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर दिया, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा मैंने डिफरेंट करने की कोशिश की है। आपने ज़रूर बताना है कि आपको क्या ज़्यादा बेहतर लग रहा है और क्या नहीं। राया को इंडिपेंडेंट करने के पीछे रीज़न सबसे पहले ये है कि एक तो वो इनकरेज करेगा उसके अंदर कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में और बिल्ड करने में। दूसरा, उसके अंदर जो ना बोलने की आदत है, उसकी स्पॉन्टेनियस स्पीच है, उसको मैं चाह रही हूँ कि वो बिल्कुल ख़त्म कर ले। बिकॉज़ वो इतनी डिपेंडेंट रही है मेरे पे कि अब मैं वाकई चाहती हूँ कि वो मेरे पे डिपेंडेंट ना रहे, ना किसी और पे रहे, और वो खुद ये चीज़ें करना शुरू हो जाए। बिकॉज नाउ शी इज़ 6 ईयर्स ओल्ड। चलें जी, बातें अपनी मैं यहाँ ख़त्म करूँगी, आप लोग करें व्लॉग को इन्जॉय, तो कंटिन्यू करते हैं। चलें जी, अब हम पहुँच गए अस्करी। और गाइस, ये अम्मा के घर आकर हमने बहुत ही अच्छे सा नाश्ता बनाया है। ये हमने बहुत अच्छा सा नाश्ता बनाया है, ठीक हो गया। वो बने पराठे, ये नाजो, ये है मासी जी, मेन्यू पढ़ रहे हैं। ये जी गाइस, ये मैंने नाश्ता साथ करवाया है, मजेदार। अजान, आप खाएंगे? ओ, शीप खाएगी? कहाँ जा रहे हो? मामा, अब तो हम घर जा रहे। बस घर आकर तो हम उसी रूटीन पे आ गए थे, कुछ लॉन्ड्री करने वाली थी तो कुछ फोल्ड करने वाली थी। फरजान यहाँ पे अपना मुझे हल्क मोड दिखा रहा था और वो चीख रहा था, जिस वजह से मैंने सोचा कि वॉइस ओवर ही कर लो तो बेहतर है। अरजान मेरी काफ़ी चोर्स में हेल्प करना शुरू हो गया, विच इज़ रियली नाइस एंड रियली हेल्पफुल एंड ऑल्सो कीप्स मे बिजी थ्रू आउट द डे। यहाँ पास जो बच्चों की फनकारियाँ होती हैं, अरजान वही कर रहा था मेरे साथ, और वो अपनी जैकेट लगा हुआ था, पता नहीं कौन सी फ़नी मूड में था। फिर अब कुछ दिन ऐसे भी होते हैं कि वाकई समझ में नहीं आता कि बच्चों को किस तरह एंटरटेन करें और क्या करें बिज़ी करने के लिए। पहले मैं इनको बाहर ले आई क्योंकि आजकल धूप निकल रही है, तो मैंने कहा उसका फ़ायदा उठाते हैं। अरजान को मैंने कलरिंग बुक दे दी थी, मैंने कहा भाई बाहर ही कर लो। फिर जब अंदर है, शाम का मगरिब का टाइम हो रहा होगा, तो फिर मैं इनको बिज़ी करने के लिए, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो मैंने राय को पहले ग्लव्स पकड़ाए, मैंने कहा चलो मेरे साथ थोड़ी गेम खेले। बिकॉज ये भी काफ़ी इंटरेक्टिव एक्टिविटी है जो राया नहीं करती, एंड दिस इज़ प्रॉबेबली फर्स्ट और सेकेंड टाइम जो इस तरह की एक्टिविटी है कर रही थी खुशी खुशी। फिर जब मैं इसके साथ खेल रही थी तो अरजान काफ़ी देख रहा था दूर खड़े होके, तो फिर उसने कहा अच्छा मेरी टर्न आई गई, एंड ही पेशेंटली वेटेड फॉर हिज टर्न, शुक्र है, आई लाइक दैट। एंड बस फिर यहाँ पर मैंने और अरजान ने थोड़ी देर खेला, बट डिडंट लास्ट रियली लॉन्ग, बिकॉज फिर मैंने उनको सोचा कि मैं बाहर ले जाती हूँ थोड़ा और बिजी करने के लिए। तो देखिए बाहर का भी अपना ही चस्का है, वो भी मैंने कहा ले लो, फिर सर्दियाँ ख़त्म और गर्मी आ जानी है, फिर तो कोई हाल नहीं रहना। मतलब बस यही दिन है जो एंजॉय कर सकते हैं कर लें, उसके बाद भूल जाएं कौन सी सर्दियाँ थी कौन सी सर्दियाँ नहीं थी, यही है। लेकिन बस बच्चों को बिज़ी करने के लिए यही कुछ करना पड़ता है।
सो 8:30 तक मेरी यही कोशिश होती है कि ये बिज़ी रहें किसी ना किसी तरह। या मैंने अरजान को कहा कि चलें आप जानमाज लेके आए, हम अल्लाह करते हैं। बस मैंने इतना ही कहा था कि अल्लाह करते हैं और वो जाके माशाल्लाह जानमाज लेके आया है और उसने अभी कोशिश पूरी कर रहा है। ऑब्वियसली देखते हैं वही चीज़ अडेप्ट कर रहे हैं। मास्क पढ़ के मैं इनको बाहर ले गई थी। करें गाइस, रिस्क ले रही हूँ मैं अपनी जान पे अपने फ़ोन को इतना करीब पकड़ के। बराज मैंने कहा फ़ायदा उठाऊँ, लकड़ी में चाय पीने का मज़ा ही कोई और है। And I brought the kids outside too. Take just that one. Stop it on me. Hello. MashaAllah. Chai on the lakdis. चाय मेरी आ गई है, बच्ची मेरी आँख खेल रही है, मैं अपनी चाय ले आई हूँ। और अरजान साहब जी, तो आई नो अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि आज की इस वीडियो की क्या कंपाइलेशन थी, क्या सारा सेंस ही नहीं बन रही वीडियो की। लेकिन कभी कभी बच्चों को भी बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है और कभी कभी फ़ोन लगाने का भी टाइम नहीं मिलता। बस इसी के साथ मैं अपनी स्ट्रीक नहीं तोड़ना चाह रही थी, तो मैंने फिर भी अपनी व्लॉग को जितना भी रिकॉर्ड कर सकती थी मैंने कर लिया। एक और वीडियो मैं अभी अपलोड करने वाली हूँ, उसमें मैंने बनाया आलू वाले चावल, और उसको आलू तहरी भी कहते हैं, मसाला पुलाव भी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं। लेकिन आपको जो भी नाम समझ में आता है या आपके घर में जो भी बनते हैं आलू वाले चावल कहते हैं या जो भी कहते हैं, आपने ज़रूर कॉमेंट करके बताना है। उस वीडियो पर ज़रूर आपने अपना यू नो एक राय देनी है, मुझे भी थोड़ा एक वो मिलेगा। अगर आप कोई और चीज़ बनते हुए देखना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, आई विल मेक अ स्पेशल रेसिपी फॉर यू गाइस। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगी। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। वी आर जस्ट 250 मोर सब्सक्राइबर्स डाउन टिल वी रीच 1000। सो इंशाल्लाह ताला थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट दैट यू हैव बीन गिविंग दिस चैनल। हमने एजुकेशनल वीडियोज़ भी निकाली हैं, वो भी ज़रूर देखिएगा। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।